हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग के लिए लेके आया हूँ ओप्पो का A54। ये मेरे पास इसका 4GB रैम और 64GB रैम वाला वेरिएंट है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस फ़ोन के मेन हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में। तो जो भी इसके मेन हाइलाइटेड फीचर्स होते हैं वो कंपनी उसके बॉक्स के पीछे मेंशन करती है। तो देखते हैं, सबसे पहले कंपनी कहती है इसमें हमने 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी है और आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और इसका जो तीसरा मेन हाइलाइटेड फीचर है वो इसका 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा और आई केयर पंच होल डिस्प्ले। अब देखते हैं इसकी साइड की तरफ, तो यहाँ पर ओप्पो ICC लिखा हुआ है, यानी कि ये जो समझ लो कि आपका ये जो BCCI है, ICC है, उसका जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसको ये प्रमोट करता है, तो इसलिए उसकी ब्रांडिंग है यहाँ पे। अब हम करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि डिवाइस के बारे में कैसे हमारी डिवाइस निकल के आती है सामने। काफी अच्छे से पैक करके रखा है वो। तो देखो, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स और फिर ये तीसरा बॉक्स, तो इस प्रकार से निकल के आता है हमारा फोन एक्चुअल में। कुछ इस प्रकार से कंपनी ने कर रखी इसकी ब्रांडिंग। अब देखो, इसको अगर खोलते हैं तो सबसे पहले ऊपर से ये बॉक्स निकल के आता है। इसको हटाते हैं तो इसके अंदर देखते, लेट्स चेक इट आउट, इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर आपको मिलता है ये सिम ट्रे इजेक्टर टूल और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन की गाइड है। और इसके अलावा ये आपको मिलता है फाइबर का केस, जो कि नॉर्मल क्वालिटी है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, आपका काम चलेगा। अब इसके दूसरे मेन हाइलाइटेड फीचर की तरफ देखते, ये है हमारी प्यारी सी डिवाइस ओप्पो का A54। इसको करते हुए साइड में, फिर इसके बाद में हम देखेंगे। ये निकल के आती है हमारी प्यारी सी डिवाइस, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसको करते हैं साइड में। अब देखो, बॉक्स के अंदर आपको ये मिलता है 18 वाट का फास्ट चार्जर ओप्पो की तरफ से। और ये है डाटा केबल, जो कि अब हम बात करेंगे अपने मेन हाइलाइटेड फीचर्स यानी कि फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 6.5 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एमोलेड डिस्प्ले पैनल नहीं है, IPS पैनल है और 16 मेगापिक्सल का ये सेल्फी कैमरा है। और अगर इसके बैक की तरफ देखते हैं तो देखो, यहाँ पर हमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर वाला कैमरा हमें यहाँ पर मिलता है विद फ्लैश के साथ। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है ट्रिपल कैमरा। और इस प्रकार से प्यारा सा फ़ोन, इसकी डिवाइस जो है, इसकी जो डिज़ाइन जो है, लुक जो है, जो मुझे बहुत ही पसंद आया है। ये आप भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और अगर हम साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे ये है इसका सिम ट्रे इजेक्टर, यहाँ से आप सिम निकाल सकते हो। और यहाँ पर पावर अनलॉक, और यहाँ पर है स्पीकर वॉल्यूम बटन। और अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे आपको वाओ 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है, यानी कि आप आसानी से यहाँ पे ईयरफोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर जो है चार्जिंग पॉइंट है और ये है स्पीकर ग्रिल,
और अगर हम इसके साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर पावर अनलॉक बटन, और इसके साथ ही साथ यही आपका जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करेगा। पावर अनलॉक बटन यहीं से आपका फिंगरप्रिंट भी काम करेगा। अब अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे नॉइज कैंसलिंग माइक ऊपर की तरफ तो नहीं मिलता है, नीचे की तरफ जरूर यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन माइक दिया गया है। दोस्तों अगर इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो देखो ये इस प्रकार से कुछ इसकी डिस्प्ले है। अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि कलर बहुत ही प्यारे आते हैं। और अगर हम आपको बता दें इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमें मीडियाटेक का हीलियो का P35 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि थोड़ा सा पुराना है मगर अच्छा है और आपको परफॉर्मेंस देगा। नो डाउट आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, पर हाँ इसका प्रोसेसर और अच्छा किया जा सकता था क्योंकि इस प्राइस रेंज में G95 और G90 की भी प्रोसेसर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी P35 का ही प्रोसेसर यहाँ पर कंपनी ने दिया है। तो यहाँ पर मैं आशा करता था, एक्सपेक्ट करता था कि कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा स्पीकर दे। और अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये 13,500 रुपये का आता है और इसका जो मेरे पास गोल्ड रोज गोल्ड वाला जो इसका वो है वो मेरे पास इसका ये जो है वर्जन है। और अगर हम इसकी देखते हैं, अगर इसकी दोस्तों अगर इसकी सिम कार्ड की तरफ हम नज़र डालते हैं तो देखो यहाँ पर आप जो है मेमोरी कार्ड और दो सिमों का यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें एक चीज़ का सपोर्ट फ़ायदा मिलता है कि आप यहाँ पर मेमोरी कार्ड का स्लॉट लगा सकते हैं और दो सिमों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये फ़ोन 5G फ़ोन नहीं है, ये 4G फ़ोन ही है और अभी हमें 5G फ़ोन की वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इंडिया में 5G अभी आया भी नहीं है। अगर हम इसके कैमरा की तरफ नज़र डालते तो इसमें आपको फ़ोटो का पोर्ट्रेट मोड और इसके अलावा आपको वीडियो मोड और नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। नाइट मोड के अलावा हम वीडियो मोड में देखें तो आपको यहाँ पे AI मोड भी दिया गया है, यानी कि आप यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अपनी फ़ोटो को क्लियर को और अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हम फ्रंट कैमरे की सेल्फी कैमरे की तरफ देखें तो भी दोस्तों अगर इसके सेल्फी कैमरा के बारे में बात की जाए तो इसका सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और यह हैं कुछ सैंपल इसके फ्रंट कैमरा से लिए हुए और यह हैं कुछ फोटोज के सैंपल इसके बैक कैमरा से लिए हुए। दोनों में ही बहुत अच्छे से क्वालिटी आपको इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब